रही बात मानदेय बढ़ोतरी की, तो हम लोगों ने कहा कि पैब बैठक में जो मानदेय दिल्ली में तय हुआ है उसके अंतर्गत 18,000, 20,000 और 22,000 हम लोगों को दिया जाए। वर्तमान में सरकार के द्वारा 10,000, 11,000 और 12,000, 13,000 दिया जा रहा था। इसको हम लोगों ने कहा कि अपने बीच बैठकर इसको हम लोग निर्णय पर लेंगे, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति थी इसमें हम लोगों ने एक उम्मीद जगाया है कि 2 तारीख के बाद जब कार्यालय खुलेगी तो पुनः एक बार माननीय मंत्री जी से बात करके और फिर हम लोग आगे की पहल करेंगे। अगर उसके बाद भी बात नहीं होती है तो आंदोलन मेरा जारी है। अभी क्या माना जाए? अभी आंदोलन जारी है, हड़ताल नहीं, विफल नहीं बोलेंगे, जो सौहार्द नहीं, हम लोग चूंकि जितनी बातें उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे वेतनमान पर कमेटी भी बनेगी, थोड़ा समय लगेगा, हम लोगों ने कहा कि सब हम लोग स्वीकार करते हैं, उसमें भी समय लगेगा, हम स्वीकार करेंगे, परंतु वर्तमान में हमें 18,000, 20,000, 22,000 मिलता है तो हम लोग आंदोलन से वापस जाएंगे, अन्यथा आंदोलन जारी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार दुबे। बेनतीजा नहीं, निर्णायक है, माननीय मंत्री जी सोच रही है, अगर विचार होगा तो आंदोलन स्थगित होगा, अन्यथा आंदोलन जारी। प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने की बात कर रहा था? नहीं, अभी हम लोगों का राज्य स्तरीय बैठक होगी 3 तारीख को, उसके बाद हम लोग।